पूर्व डीसीपी सोनौने का बेटा पहुंचा सलाखों के पीछे। मामला है धोखाधड़ी का। व्यवसायी राजेंद्र ठक्कर मामले में आज एक नया मोड़ आया है। आपको बता दें कि राजेंद्र ठक्कर के परिवार जनों ने मिलकर करोड़ों रुपए की हेरा फेरी की है, जिसके बाद ठक्कर ने इस मामले में मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में मलाड पुलिस ने रिटायर्ड डीसीपी भीमराव सोनौने के दामाद और उनकी बेटी के ऊपर 420 का मामला दर्ज किया है। इस मामले की कई महीनों तक जांच चली। जांच के बाद में आरोपियों को बोरीवली कोर्ट में पेश किया गया, जहां पे के बोरीवली कोर्ट ने तुरंत ही 20 मिनटों के अंदर सजा सुनाते हुए जेल कस्टडी सुना दी। वहीं इस मामले में शिकायतकर्ता राजेंद्र ठक्कर के वकील ने मलाड पुलिस स्टेशन और उनके कामकाजों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वकील का कहना है कि महज 12 घंटों में जांच और 20 मिनट में जेसी जेल कस्टडी पुलिस के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हैं। वहीं इस मामले में रिटायर्ड डीसीपी भीमराव सोनौने और उनकी बेटी से मीडिया ने सवाल करने चाहे तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया और मीडिया के कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इस मामले में रिटायर्ड डीसीपी भीमराव सोनौने का कहना है कि राजेंद्र ठक्कर पैसे के बल पर उन लोगों को सता रहा है, वह गलत आदमी है। वह हमारे साथ ही नहीं अपने नौकरों के साथ भी गलत बर्ताव करता है। आखिरकार हम कोर्ट में पहुंच गए हैं, हमें भारत के संविधान और कानून पर पूरा भरोसा है। भीमराव का कहना है कि उसने अपने कई लोगों का घर बर्बाद किया है, खुद ठक्कर की बीवी उसे छोड़ गई है। इस तरीके का गंभीर आरोप रिटायर्ड डीसीपी भीमराव सोनौने और उनकी बेटी ने ठक्कर पर लगाए हैं। अब देखना ये होगा कि मुंबई पुलिस इस मामले को कितनी गंभीरता से लेती है। द डेली इंडिया न्यूज की रिपोर्ट। कि मेरे जो क्लाइंट है मिस्टर राजेंद्र ठक्कर, इन्होंने 2018 में एक केस फाइल किया था उनके अगेंस्ट में, क्योंकि उनके साथ में जो रिटायर्ड डीसीपी हैं उन्होंने इनको चीट किया था 3,30,00,000 रुपए का। उन्होंने इनको झूठा आश्वासन दिया कि मेरा जो फ्लैट है आप वो ले लीजिए, मेरे बैंक का लोन मेरे को क्लोज करना है। तो इन्होंने चूँकि पहले से जान पहचान में थे, ठीक है, इसीलिए इन्होंने वो पैसे वहाँ पे इनकर किए, 3,30,00,000 रुपए तक दिए। उसके बाद में उन्होंने MOU एग्जीक्यूट किया, सिग्नेचर किया, जो कि एग्जीक्यूट नहीं किया, सिर्फ सिग्नेचर करके इनको दे दिया और टालते रहे कि आज करते हैं कल करते हैं, और आज तक न तो MOU एग्जीक्यूट किया और ना ही जो फ्लैट का ताबा था वो इनको दिया, और इनको 3,30,00,000 रुपये का चूना लगा दिया, समझ लो आप, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मलाड पुलिस स्टेशन का रुख किया, वहाँ पर कंप्लेन किया, वहाँ पे FIR रजिस्टर हुई, लेकिन 2018 से आज तक जुलाई 2018 में केस फाइल हुआ था, वहाँ से आज तक इन्होंने कभी कोई प्रोग्रेस नहीं किया इन्वेस्टिगेशन में। उन्होंने इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, इसलिए ये हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में जब इन्होंने रीट फाइल की, वहाँ पर सुनवाई हुई, उसके बाद जो रिटायर्ड DCP हैं भीमराव सोनौने, उनका जो दामाद है तेजस राजा, उसे कल अरेस्ट किया गया। अब अरेस्ट करने के बाद में भी आप देखिए, आज जब उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया तो पुलिस वाले से देते कि हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है, जबकि वहाँ पे हाई कोर्ट में उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने 41A का नोटिस दिया है उसको और वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे से मतभेद करता है दोनों स्टेटमेंट, ठीक है, और उसके बावजूद वो लोग यहाँ पर आके स्टेटमेंट देते हैं, हमारा चार्जशीट बन गया है, हमारा ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है। तो इससे ही साबित होता है कि वो इनके साथ इसमें पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, बायस्ड इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और ऑब्वियसली वो अंडर द गाइडेंस ऑफ DCP हो रहा है रिटायर्ड। इसके पीछे वजह सर एक ही है कि इसके पीछे जो अक्यूज अभी आरोपी पकड़ा गया है तेजस राजा, उसके जो ससुर है वो रिटायर्ड DCP है मुंबई के, ठीक है, और उनका पुलिस वालों के साथ में लिंक बहुत अच्छा है, तो उनके इन्फ्लुएंस में ये सारा इन्वेस्टिगेशन जो है हैम्पर हो रहा है। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि इनको कुछ दिन पहले थ्रेड्स भी मिला था फ़ोन पे कि ये जो केसेस वगैरह है विड्रॉ कर लो वरना इनको मार दिया जाएगा। उसके लिए भी सेम पुलिस स्टेशन में, मलाड पुलिस स्टेशन में, इन्होंने एक FIR दर्ज की है, FIR नंबर 162/19, उस पर भी आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है पुलिस के। अब सर देखिए, अभी कोर्ट में भी जब लाए गए, अभी तो उनको यहाँ पर रखा गया है, यहाँ से थाना लेके जाएंगे, जुडिशियल कस्टडी की गई है उनको, तो लेके जाएंगे। देखिए सबसे पहली बात सर, मामला जो बहुत गंभीर मामला है, 3,30,00,000 रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है, ठीक है, वो एक इंसान की जिंदगी भर की सेविंग होती है, उस उतने अमाउंट का चीट कर जाना
तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ही तकलीफ हुई होगी, बहुत ये हुआ होगा, और एक साल तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस नहीं किया गया। अभी एक साल बाद जब हाईकोर्ट में रिट फाइल किया जाता है तब उनको अरेस्ट किया जाता है, तो इसमें इंट्रोगेशन की तो ज़रूरत है ही। और जबकि उसमें इन्होंने जब इंट्रोगेशन किया तो बैंक के मैनेजर का स्टेटमेंट है जो बोलता है कि एप्लीकेशन में जो सिग्नेचर है उनकी सिस्टर लीना गणित की लोन एप्लीकेशन में और जो KYC वगैरह वो दोनों डिफरेंट है, मैच नहीं हो रहा है, मिसमैच है। तो इनको उस पर भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था कि भाई कुछ फॉर्जरी की गई है क्या, फोर्ज किया गया है। इवन द वैल्यूएशन रिपोर्ट जब फ्लैट खरीदा गया था उस टाइम पे वैल्यूएशन रिपोर्ट जो थी वो, और प्लस जब हमारे क्लाइंट वहाँ पे गए उस टाइम लोन क्लोज करने के लिए उनके बिहाफ में, उस टाइम पे भी जो वैल्यूएशन रिपोर्ट निकाली गई दोनों का जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि पहले जो अमाउंट दिखाया गया वैल्यूएशन रिपोर्ट में वो ज़्यादा थी और चार साल बाद जब ये गए तो अमाउंट कम थी। कभी भी प्रॉपर्टी का भाव यहाँ बढ़ता है कम होते हुए मैंने नहीं सुना है, तो उस चीज़ पे भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। इन सब चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब पुलिस यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है, जो कि सरासर नाइंसाफी है मेरे क्लाइंट के। देखिए पुलिस ने उसके ऊपर 420-34 का धारा लगाया है जो कि तेजस राज और उसकी वाइफ के अगेंस्ट है, और इसमें ही हम मेरे मुवक्किल ने मेरे क्लाइंट ने ऑलरेडी एक लेटर पुलिस को दिया है जिसमें उन्होंने जो आरोपी है तेजस राजा उनकी वाइफ उनकी सिस्टर लीना ठक्कर उनका भी सहभाग बताया है, और भीमराव सोनावने जो रिटायर्ड DCP उनका भी सहभाग बताया है कि इन चारों लोगों ने कॉन्स्पिरेसी रच के प्लान प्री प्लानिंग करके इनको चीट किया है, तो उनको भी इसमें आरोपी बनाया जाए। लेकिन मलाड पुलिस स्टेशन ने उस कंप्लेंट पे भी आज तक कुछ भी कार्रवाई नहीं की है, और आज इनको 420 के इसमें प्रोड्यूस किया गया जिसमें जागृति राजा जो कि ये आरोपी की वाइफ है उसको एब्सकॉन्डिंग दिखाया है जो कि जब से केस हुआ है तब से अवेलेबल है, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया गया। उसके पीछे पुलिस की क्या मंशा है वो पुलिस ही बता सकती है। सर देखिए आज उनको कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया, चूँकि पुलिस नहीं चाहती थी उनकी पुलिस कस्टडी लेना फॉर वॉट एवर रीज़न, आज उनको कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी ग्रांट कर दिया, और उन्होंने जो बेल अर्जी फाइल की है उस पर प्रोसिक्यूशन का से मंगाया है और मंडे को रखा गया है, सोमवार को उसकी सुनवाई होगी।